ये बॉम्ब है छोटे छोटे मोटार सेल जिसको बोलते हैं। ये बॉम्ब तो अभी भी नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जब इंडिया पाक के बॉर्डर पे जब छुट मुट घटनाएं होती है ना, तो ये सेल तो नॉर्मली मतलब फेंके ही जाते हैं आराम से। सेलिंग जिसको कहते हैं वो इससे करते हैं। तो दोस्तों पूरे म्यूज़ियम के टूर में सबसे भयानक चीज़ मुझे कोई लगी ना, बॉम्ब से भी भयानक तो ये वाली चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पे इस तार तेज़ धारदार हथियार से किसी इंसान को सुला कर जब वियतनाम, वियतनाम को कौन नहीं जानता दोस्तों, वियतनाम के अंदर ऐसी भयंकर लड़ाई लड़ी गई जिसमें अमेरिका भी शामिल था, दूसरे काफ़ी सारे देश थे लेकिन अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका के करीबन 60,000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और 5,000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर खोए थे। दूसरे जो सामान है उसकी तो बात ही मत करो, अगर 5,000 हेलीकॉप्टर हो युद्ध में, अगर हेलीकॉप्टर गिराया जाए तो आप समझ लीजिए कि उसमें कितना नुकसान हुआ होगा। करीबन 30 लाख से आसपास वियतनाम के लोग मारे गए, कंबोडिया, लाओस, ये सब भी इसमें शामिल थे। तो आज मैं उस युद्ध के कुछ अवशेष दिखाने आपको ले जा रहा हूँ। फिलहाल मैं हूँ होचमिन सिटी, जो वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है और राजधानी हनोई है। हनोई यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम चलते हैं एक ऐसे म्यूज़ियम में जहाँ पे आपको अमेरिका के हेलीकॉप्टर, अमेरिका के बड़े बड़े विमान, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे रखी गई है। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका ने यहाँ पे क्या क्या खोया, मतलब उसके कुछ सबूत दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं फिर, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अमेरिका जैसे देश ने बहुत देशों में जा कर के बहुत कुछ खोया है, अभी भी खो रहा है। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये है सिटी बस, ये है टैक्सी, और यहाँ पे जब बाइक ट्रैफिक सिग्नल खुलता है ना भाई, तो आपको सब जगह हेलमेट ही हेलमेट दिखेंगे। ये लड़ाई 1955 से 1975 20 सालों तक लड़ी गई, जिसमें हजारों लाखों सिविलियन मारे गए। कसम से आप जब इतिहास पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि लाखों सिविलियन मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए थे। लेकिन जब आपस में लड़ाई होती है ना, तब बहुत सारे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो वाली बात है। इसमें जापान, जर्मनी, इटली, कोई देश बाकी नहीं रहा, सब के सब इसमें शामिल थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब देशों ने इसमें भाग लिया। सबने अपने अपने लोग खोए, लेकिन लास्ट में जा कर के 1975 में युद्ध पूरा हो गया। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हम पहुंच गए यहाँ पे, और ये देखो बड़े बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये छोटा हेलीकॉप्टर और है, उसके पास एक और है, टैंक है, बहुत कुछ सामान यहाँ पे पड़ा है वियतनाम वॉर से जुड़ा हुआ, अमेरिका ने जो भी खोया। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे, टिकट लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब है। देखो डेली 7:30 से 5 बजे तक ही खुला रहता है, और ये क्या है पढ़ लीजिए, आपके लिए रूल्स है वो। 40,000 यहाँ के जो है वियतनामी डॉन है वो यहाँ पे हैं। बड़ा सा एक घंटा इसको बजाने के साथ ही 500 LB बॉम्ब कनिस्टर, और यहाँ देखो अमेरिका के टैंक, ये पीछे बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर, इस तरफ एक एयरफोर्स का विमान, इस तरफ ये फाइटर जेट, इसके पीछे एक और बॉम्बर हैं, इसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर हैं। सबको घुमा घुमा के दिखाते हैं और ये म्यूजियम दिखाते हैं। और ये पीछे देखो जो बॉम्ब थे ना उनको रखा गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन हम सबसे पहले शुरू करते हैं उस कॉर्नर से, यहाँ से एंट्री हुए थे, 40,000 दिया, मतलब $125 के आसपास, ₹100 के आसपास। तो चलते हैं फिर आपको एक एक करके दिखाते हैं। भाई ये देख रहे हो अमेरिका का वो जंगी हेलीकॉप्टर हैं जो वियतनाम में लड़ाई में काम में लिया गया था। और इसकी खासियत मैं बता देता हूँ कि ये एक बार उड़ने के साथ 370 किलोमीटर तक ये उड़ सकता था। 1 घंटा 45 मिनट तक की उड़ान भरने के बाद इसको रुकना पड़ता था। इसके अंदर लगी हुई है ये 6-barrel गन लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये देखो गोलियों का पूरा बंडल रखने के लिए पूरा पेटी रखा गया है। और ये एयर एम्बुलेंस और कहीं भी लैंडिंग या कहीं से भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। तो है ये है इस हेलीकॉप्टर की खासियत। ये है काफ़ी सारे रॉकेट लॉन्चर, जिसका मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि ये है 2 रॉकेट लॉन्चर इसको बोलते हैं, एक इधर से भी हैं एक उस तरफ से भी हैं।
और ये देखो यूनाइटेड स्टेट आर्मी, और बहुत बड़ा भाई ये पंख की लंबाई देखो यहाँ से लेकर के अगर वहाँ तक गिनी जाए ना बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई कसम से। मैं सोच रहा हूँ कि जितना बड़ा हेलीकॉप्टर है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल इसका पंखा है, इसी की वजह से ये उड़ पा रहा है। और ये शायद इसके पीछे की तरफ कोई पूंछ है, ये देखो भाई ये रडर है इसको ऊपर नीचे उड़ाने के लिए। ये एग्जॉस्ट है पीछे धुआं निकलने के लिए, और ये इसको उठाने के लिए देखो इसकी शाफ्टिंग लगी हुई है, और ये पंखा है। पंखे की लंबाई कम से कम 20 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, तो ये होगी इसकी खासियत। अब हम चलते हैं दूसरे और आपको हेलीकॉप्टर वगैरह दिखाते हैं और उसका क्या उसका ताकत है वो दिखाते हैं। इस बॉम्बर विमान की बात की जाए ना, इसमें 4 20 mm की गन लगी हुई, दो यहाँ पे देख सकते हैं, दो उस तरफ देख सकते हैं, जो पायलट वहाँ पे बैठ करके इस गन को चला सकता है। इसमें 8-8 रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं और 15 बम ये लेके उड़ सकता है, जो करीबन 113 किलो से 500 किलो तक वजन का बम लेके ये उड़ सकता है। ये विमान की खासियत है, और बहुत बड़ा विमान, आप मुझे पीछे देखोगे ना पता चलेगा कि कितना बड़ा विमान है। लगने में आपको कैमरा में छोटा लग सकता है, लेकिन ये जितनी भी जगह दिख रही है ना यहाँ पे बम इंस्टॉल किए जाते थे। अब मैं आपको पीछे की तरफ चल के दिखाता हूँ, और इसमें बैठने के लिए सिर्फ एक इंसान के लिए जगह थी बस, इतने बड़े विमान में सिर्फ एक इंसान बैठ सकता था। कितना बड़ा विमान है देखो, ये इसके पंख है US आर्मी, ये देखो ये सामने इसका पूरा इंजन है, कितना पावरफुल इंजन है भाई। जितना पीछे की तरफ हवाई जहाज है उतना ही आगे पूरा ये है, और ये इसके विंग है। तो इसमें 15 बम आ सकते हैं, 4 कैनन लगी हुई देखो, ये 16 गन लगी हुई है, और इसका देखो ये हेलीकॉप्टर तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब हेलीकॉप्टर देख लिया, ये बड़ा सा विमान देख लिया, अब हम चलते हैं इसके पीछे की ओर। एक और विमान पड़ा हुआ है वो आपको दिखाते हैं, उसके टायर अभी के पड़े, अभी भी उस ज़माने के पड़े हुए। ये एक हेलीकॉप्टर है जो 2-सीटर है, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इतिहास क्या है। इसके अंदर 2 इंजन लगे हुए हैं, और इसका वज़न है ना 6 टन 300 वजन है, 6300 kg। इसकी इफेक्टिव टाइम 1 घंटा 40 मिनट तक ये उड़ान भर सकता है, और 2201 घंटे में मतलब 2200 किलोमीटर तक जा सकता है ये वाला फाइटर जेट। ओके, और दूसरी बात है कि इसके अंदर एक गन लगी हुई है जो 1500 बुलेट फायर कर सकती है, और 4 बम इसके अंदर जो है लगा सकते हैं, ये इसकी खासियत है। तो ये देखो इसके अंदर जो है ना रॉकेट प्रॉपर लगे हुए हैं, रॉकेट ये पीछे की तरफ देख सकते हैं, और इसके अंदर गन कहाँ लगी हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ। 7.62 mm की गोलियाँ ये बरसाता था ये विमान। इसके अंदर देखो एक इंजन ये हो गया, इंजन का भाग देख लीजिए ये वाला, और इसके बैठने के लिए ये सीट, ये रही ये वो गन है जो 1500 गोलियां बरसा सकती है एक साथ में, बहुत पावरफुल है भाई। और बाकी तो इसके अंदर रॉकेट वगैरह लगे वो तो अलग है, और ये है पायलट की सीट, देखो यहाँ से पायलट बैठ के चलाते थे और यहाँ से कंट्रोल करते थे। तो इसने बहुत यहाँ पे मेहनत करी है, ये देखो ये रॉकेट प्रॉलर रॉकेट वगैरह छोड़ने का साधन ये है, एक ये हो गया एक वो हो गया, अभी भी एक रॉकेट लगा हुआ है शायद इसके अंदर, देखो ये रहा ये इसके अंदर डालते पूरा का पूरा। तो ये है इसका सिस्टम, और ये देखो साइड में है ना ये टंकियाँ ऐसे बनी हुई इसको कंट्रोल करने के लिए, ये खोखला ही है लेकिन ये हो गया विमान। अब चलते हैं आगे, ये फाइटर विमान बाद में देखते हैं लेकिन पहले इसको पूरा देख लेते हैं। और ये देखो पीछे की तरफ एग्जॉस्ट निकलता है, जब इंजन हवा खींचता ना तो ये पीछे की तरफ यहाँ से निकलती थी, और ये हो गया पीछे का भाग, टेल भाग जिसको बोलते हैं पूंछ। ये रडर है, इससे फ्लाइट को डाउन अप डाउन किया जाता था, और जब मोड़ना होता है ना तो ये वाला रडर काम आता है, ये वाला इसको घुमाते हैं वहाँ बैठे बैठे, तब ये फाइटर विमान को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाता है। तो ये हो गया एक फाइटर विमान, अब चलते उसको जेट को देखते हैं। ये थोड़ा छोटा सा है लेकिन ये भी काफ़ी पावरफुल है, ये देखो ये इतना बड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो बड़ा सा विमान है, बॉम्ब बरसक जहाज बोल सकते हैं, ये इसको जेट जैसा ही बोल सकते हैं। अब ये है मेन जेट विमान, इसको देखते हैं फिर। नाम मैं बताना भूल गया, इसका नाम है A-37 फाइटर बॉम्बर है। अब ये देखते हैं बड़ा सा फाइटर जेट। अब हम इस फाइटर जेट की बात करते हैं,
तो देखा थे आपको कि ये फाइटर जेट के अंदर सामने की तरफ दो कैनन लगी हुई है। देखो अभी मैंने कोई इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बंदूकें हैं, ठीक नाक पे लगी हुई इसकी। और ये है शायद पेट्रोल भरने के लिए, फ्यूल भरने के लिए ये वाला है, और ये दो सामने कैनन लगी हुई है। इसके बारे में आगे चल के आपको बताता हूँ। और ये इसके टायर है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये इंजन है, देखो यहाँ से हवा अंदर जाती थी। इसका नाम है A-50A फाइटर जेट है, और ये 10 टन का है, 10,000 किलो का। इफेक्टिव टाइम ये 1 घंटा 45 मिनट तक ये विमान उड़ सकता है, और मैक्सिमम रेंज है वो 1 घंटे 45 मिनट में 2,000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो 1270 किलोमीटर ये घंटे इतने टाइम में उड़ सकता है। और 220mm की ये जो गन लगी मैंने आपको दिखा दी, 280 राउंड फायर कर सकता है, और 5 बॉम्ब ले जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसके नीचे देख सकते हैं, कहीं पे बॉम्ब लगाने की जगह होगी, ज़्यादातर विमानों में विंग में ही होता है। तो 5 बॉम्ब ले जा सकता है, 2 विंग टिप्स मिसाइल। तो यहाँ पे मिसाइल लगाने के लिए देखो, एक इधर है एक उस तरफ है, तो 2 बड़े बड़े मिसाइल ये कैरी कर सकता है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मिसाइल होते हैं, जैसे एक में कितनी होगी, 6 होगी, तो वैसे ही ये 6 मिसाइलें ले जा सकता है। तो ये हो गया फाइटर जेट, इसकी जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। और जब विमान पूरी तेज़ गति के साथ उड़ता है ना, तो ये वाला भाग बाहर आता है, और यहाँ पे आप देखते हैं कई बहुत बार लाल लाल हीट दिखती है। तो फाइटर जेट फुल पावर में होता है तब ये ऐसा दिखता है आपको। तो ये होगी इस फाइटर जेट की क्षमता। अब हम आपको एक और दिखाते हैं फाइटर जेट, चले। ये है U-17, एक छोटा सा प्लेन है जिसके अंदर एक सामने की तरफ फ्रंट की तरफ एक इंजन है, 2 ब्लेड लगी हुई है। इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर देखो ये रॉकेट लॉन्चर लगे हुए, 780 किलो ये वजन उठा सकता है, और ये 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी 1100 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता है एक साथ में। और ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, 10 फ्लेयर है, 2 फ्लेयर गन है, एंटी टैंक रॉकेट सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। मतलब अगर सामने से कोई टैंक आ रहा होता है ना, तो उसको भी ये उड़ा सकता है, टैंक उड़ाने की इसके अंदर क्षमता है। अब इसके अंदर गन कहाँ लगी हुई मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन ये इसके अंदर गन भी थी। तो ये देखो, ये रॉकेट लॉन्चर अभी भी लगे हुए हैं, इसको अभी बोलते हैं ना वो कर दिया है। तो ये एक और एयरफोर्स का विमान हो गया, और इसके अंदर बैठ सकते हैं 2 लोग, तो आगे बैठ सकते हैं, पीछे की तरफ भी 2 लोग बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। तो ये है इस विमान की खासियत। इसके अंदर गन तो मुझे लगी हुई दिख नहीं रही है, कहाँ पता नहीं, वो विमान वाला विभाग वो था जिसमें 2-3 फाइटर जेट थे, एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर था, एक और विमान था, वो देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला विशाल का, इसके हवाई जहाज की पंख देखो, वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर है, और इसमें 4 पंखे लगे हुए हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर अभी इंडिया ने भी खरीदे, शायद आपने देखे होंगे। तो इसके अंदर 4 जो है चलाने वाले क्रू मेंबर होते हैं। मैक्सिमम स्पीड इसकी 300 किलोमीटर तक होती है, और ये लेंथ है ना 16 मीटर लंबा है, और साथ में इसका रोटर है ना डायमीटर ये इसके जो पंख है ना 18 मीटर से भी ज़्यादा बड़े हैं, और ये 22,680 किलो का है, 500 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। तो इसके अंदर लगे हुए कैमराज, काफ़ी सारी गन लगी हुई हैं अलग अलग, और बहुत कुछ इसके अंदर सिस्टम दिया गया है। ये बहुत बड़ा है भाई, 20 टन वजन भी उठा सकता है, इतना पावरफुल है। तो इसके अंदर गन कहाँ लगी हुई है मैं दिखाता हूँ आपको, अगर कहीं दिखेगी तो। और ये इंजन है देखो, 18 मीटर का तो वो है पंख, 18 मीटर के ये पंख है, और ये दोनों मिला के कर दिए जाए ना बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते, और ये पंख एक दूसरे को क्रॉस में घूमते हैं फिर भी एक दूसरे को अड़ते नहीं हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसका टेक्निक क्या ख़तरनाक होगा। और ये इंडिया ने भी अभी काफ़ी सारे अमेरिका से ख़रीदे हैं। तो ये है पीछे के 2 टायर, और ये है पीछे का भाग खुलने वाला, यहाँ से खुलता है देखो, इस जगह से यहाँ पे नीचे खुल जाता है ताकि इसके अंदर गाड़ी भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया पीछे का भाग, ये देखो इधर भी इंजन लगा हुआ है। अब हम चल के आपको दिखाते हैं, ये अंदर से बाहर देखने के लिए ये बारियाँ दी गई है, और ये है बहुत बड़ा हैवी हेलीकॉप्टर जिसमें बहुत कुछ ले जाया जा सकता है। और ये पायलट के चढ़ने या उतरने के लिए यहाँ से दरवाजे हैं जो अभी लॉक है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे जॉइंट देखो इसका मजबूत जोड़ है, और कितना बड़ा इसका पंख है जिसकी वजह से ये उड़ान भर सकता है।
तो इसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, शायद आप कैमरा से अच्छी तरह देख पाओगे अंदर क्या दिख रहा है मुझे। टैंक है भाई देखो M47, ये भी बहुत मजबूत और बहुत भारी भरकम है। ये एक और टैंक हो गया, ये इसके पीछे इंजन लगा हुआ है, ये है M41 टैंक। ये देख लीजिए भाई, इसके अंदर भी काफ़ी पावरफुल गन लगी है और ऊपर एक और गन लगी हुई है। ये है इसका हिसाब किताब। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आया तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर पसंद आया, जो अभी अभी इंडियन आर्मी ने भी ख़रीदा है, इंडियन एयरफोर्स ने भी ख़रीदा है। ये क्या है पता है, ये लैंडमाइन क्लियर करने का एक साधन है, और ये इसके लोहे से बनी प्लेटें हैं, जो कभी बॉम्ब धमाका भी हो जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं श्योर हूँ कि यही चीज़ है। लेकिन ये देखो, ये लिखा ना D7 बुलडोजर, 40 टन वजन है, कंट्रोल वेयर मेड फॉर USA आर्मी वियतनाम मिलिट्री पर्पज ऑफ लार्ज स्केल ग्राउंड क्लियरेंस प्रोजेक्ट रेजिंग फॉरेस्ट और ट्राइस फील्ड कमेंट्री ट्रांसफॉर्म एरिया इनटू मैन लैंड US आर्मी 1417 बुलडोजर इन वियतनाम। ओ वाओ, ये बुलडोजर है भाई, बहुत बड़ा सा, और 1417 बुलडोजर यहाँ पे ला दिए थे वियतनाम में। कितना ट्रांसपोर्ट किया था भाई इन लोगों ने, बहुत विशाल का है। और ये भी एक और है छोटा सा मशीन, इसको बोलते हैं फ्लेम थ्रोटर M132। ये लाइट टैंक है, क्रॉसिंग राइस फील्ड, मतलब ये चावलों के खेत में भी चला जाता है, और इसमें 200 गैलन फ्यूल, 73 मशीन गन कैलिबर लगी हुई है। देखो कैलिबर, इसमें गन लगी हुई है। तो इस तरह से ये भी बहुत पावरफुल एक मशीन थी। और ये क्या है भाई गोल गोल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। और ये है 105mm होविट्ज़र तोप, जो अभी अभी यूक्रेन को भी दी है, लेकिन वो बहुत बड़ी M77 है ऐसा कुछ है। तो इसकी वेट है ना 2 टन है, और ये 11 किलोमीटर दूर तक ये गोला फेंक सकती है। तो ये हो गई होविट्ज़र तोप। अब हम चलते उस तरफ, आपको एक एक करके सब दिखाएंगे कि आखिर में US मिलिट्री होती कैसी है। ये भी एक पावरफुल गन लग रही है, इसके टायर देखो भाई, टायर बहुत चिकने और बहुत मोटे हैं, अभी भी हवा भरी हुई है। तो ये है 155mm होविट्ज़र तोप, ये 5.5 टन के आसपास है, और ये 14,600 मीटर तक गोला फेंक सकती है, आप समझिए 15 किलोमीटर के आसपास। जब गोला गिरता है ना तो 30 मीटर तक डेप्थ और 50 मीटर तक विड्थ और 360 मीटर तक रेडियस तक जो भी चीज़ होती है उसको विनाश कर देती है, इतना पावरफुल ये गोला फेंकती है। तो ये होगी 155mm होविट्ज़र तोप। और ये है सबसे बड़ा भयंकर, एक बहुत लंबी कैनन वाला टैंक, जो मुझे लगता है सबसे पावरफुल होगा, ये बहुत ज़्यादा लंबी रेंज का होगा। तो ये है M175 की ये गन लगी हुई है, अभी US ने हम यूक्रेन को दिया, वो 177mm है शायद। इसका वजन 28 टन है और 32,600 मीटर तक ये गोला फेंक सकता है, वहाँ से गोला अगर फेंकेगा ना 32,000 मीटर यानी कि 32 किलोमीटर तक, और इस जो 35 मीटर ज़मीन के अंदर, 95 मीटर चौड़ाई में और 520 मीटर के दायरे के अंदर जो भी चीज़ होगी वो सब कुछ ख़त्म कर देगी ये चीज़। तो ये है इसकी रेंज, बहुत पावरफुल लगी ये चीज़। इसका कैनन देखो, बहुत लंबा कैनन है। अब ये देखो, ये छोटी मोटी तो चीज़ें बहुत सारी है यहाँ पे। ये देखो 106mm की रिकॉयलेस राइफल है, जो अपने वहाँ पे भी थी, जीप पे लगी हुई, अपने पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था जीप पे लगी हुई थी, उसके जैसी है। और ये भी काफ़ी पावरफुल है, टैंक को उड़ा सकती है। ये एक बोट है लोहे से बनी हुई, जो बुलेट प्रूफ कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसी काफ़ी सारी गन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। कुछ वियतनामी पुलिस है जो यहाँ पे आए हैं, पता नहीं फ़ोटो खिंचवा रहे शायद, तो उनको देख सकते हैं। और ये मैं सब आपको घूम घूम के दिखा दिया, ये काफ़ी सारे हथियार है जो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखे गए हैं, और इनके बारे में मैंने जानकारी दे दी कि किस तरह के हथियार होते हैं जो एयरफोर्स के पास होते हैं। और ये है जो सब बॉम्ब रखे हुए, इनको भी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, अभी तक मैंने फ़ोटो नहीं खींचा। चीज़ दिख रही नहीं, ये एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब है जो करीबन 3.5 मीटर के आसपास लंबा है और 1.37 मीटर चौड़ा है, 5,700 किलो इसके अंदर बॉम्ब मतलब बारूद भरा होता है। और ये बम जब C-130 कार्गो प्लेन से गिराया जाता है ना, तो 100 मीटर के एरिए में और कहते हैं ना कि 3 किलोमीटर के डायामीटर में कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ बर्बाद कर देता है। और 1970 में वियतनाम में ये बॉम्ब भी यूज़ किया गया।
तो ये है इस बॉम्ब की खासियत। इतने बड़े बड़े बॉम्ब लाला के अमेरिका ने यहाँ पटक दिए थे भाई, इतने बड़े बॉम्ब इंडिया के पास है क्या, मुझे नहीं पता। ये है और बहुत सारे बॉम्ब, इसके नाम देखो यहाँ पे लिखे ब्लू 80 म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम में हम घूमे हैं, विमान हेलीकॉप्टर देखा, टैंक देख लिए, देख लिए इस तरफ के, वो भी फाइटर विमान देख लिए। अब हम आ गए यहाँ पे और यहाँ से अंदर जाना है और फिर आपको घूम के वापस बाहर आना है, तो चलते फिर इसके अंदर देखते हैं। आगे हूँ म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेकंड फ्लोर से। सेकंड फ्लोर से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वियतनाम में वॉर हुई, किस तरह से लोगों के साथ में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे वीडियो बनाने जाऊँगा तो बहुत लंबा चौड़ा 5 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन मैं समझ के फिर आपको बता दूँगा। कुछ खास चीज़ दिखाने लायक हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। एक नंबर, इसमें बहुत कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिखाने लायक है। देखो ये काफ़ी सारी गन पड़ी हुई है, यहाँ पर भी देखो बहुत सारी गन और रॉकेट लॉन्चर, पता नहीं क्या क्या है, राइफल है ये देखो 75 mm की, और इसके अंदर देखो दूरबीन लगी है, देख नहीं सकते यार अंदर जाके क्योंकि यहाँ पे आगे प्रतिबंध है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर युद्ध में अमेरिका ने 350 फाइटर विमान दिए, 390 जहाज दिए, 1400 टैंक, 16000 गाड़ियाँ, 175,000 बंदूकें और 2.5 मिलियन तक गोलियाँ दी है भाई इन्होंने, अमेरिका ने फ्रांस कॉलोनियल वालों को। फोटो है ना, एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, ये होचमिन सिटी के ऊपर ही एक एरिया है, DNBN Phu, जो मैं सर्च किया तो गूगल में पता चला कि यहीं है ठीक मेरे से थोड़ा सा दूरी पे। तो ये देखो ये हाल है उसके, मेरे व्हाइट व्हाइट दिख रहे फ्रेंच पैराट्रूपर है जो इस शहर के ऊपर उड़ते, तब ये खेत थे और आज यहाँ पे शहर का शहर बस गया है, हजारों बिल्डिंगें हो गई है। था लड़ने का हिसाब किताब, ये पीला पीला वियतनाम देख रहा हूँ, इसके सामने कौन सी ब्रिगेड थी, कौन सी आर्मी थी, उसके लोग लगे हुए हैं, इस हिसाब से इनकी लड़ाई चल रही थी। देखो आर्मी, और ये थी आर्मी की ड्रेस, हेलमेट वगैरह सब अभी पड़े हुए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये है हेलमेट, ये देखो US आर्मी की ड्रेस थी, जिससे ये छोटी छोटी बंदूकें, ये वो स्लीपिंग बैग, ये शूज़, ये कपड़े, वो फाइटर जेट वाला हेलमेट, तो ये सब चीज़ें थी लड़ने के लिए। और ये फर्स्ट एड किट है, वो टोपी है भाई, क्या खतरनाक लगता है ये सब देख के, वो इतिहास को देखते बाल खड़े हो जाते मेरे। और ये देखो जो ब्रिगेड थी ना उसके, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब लोगो हैं, तो इसमें देख लीजिए आप लड़ाइयाँ कहाँ होती थी। देखो ये है सैगन, ये हम होचमिन सिटी है ना वहाँ पे है, इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी, और फिर होती थी हनोई के आसपास लड़ाई होती थी ये वाले एरिया में, यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी, और इस लड़ाइयों के कुछ लोकेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये क्या है, ये देखो ये मिलिट्री हर जगह पे थी पूरे वियतनाम में, अलग अलग देशों के अलग अलग सन वाइज लोग यहाँ पे। वियतनामीज 5 लाख, US के 23,000, साउथ कोरिया 200, ऑस्ट्रेलिया के 200, फिलीपीन के 20, न्यूजीलैंड 30, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, देखो ऊपर की तरफ 10,48,000 हो जाता तब 1972 में, US के 24,000, साउथ कोरिया के 36,000, थाईलैंड के 40,130,150, ये सब क्या हुए, परफेक्ट मिलिट्री फोर्स, परफेक्ट का मतलब मुझे पता नहीं भाई, तो ये सब है हिसाब किताब देख लीजिए भाई। ये बात समझ में, ये है एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी टैंक मिसाइल कह सकते हैं, जो गाइडेड मिसाइल होती है, उससे आप है ना कोई भी विमान को गिरा सकते हैं जो टारगेट का पीछा करती है, वो बात है। कैमरा है जिसको जापानीज कैमरामैन ने 1965 से 68 तक फोटोग्राफी के लिए काम में लिया था, और 1999 में इसको इस म्यूजियम में ला के रखा गया, जिनकी ये ड्रेस भी पड़ी है देखो। ये क्या है पता है आपको, 155 mm के सेल हैं जो टैंक से फायर किए जाते हैं, देखा होगा आपने टैंक के अंदर से ये सब चीज़ें फायर की जाती है, ये 15-16 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, और जहाँ भी गिरता है उसके आसपास का एरिया तबाह कर देता है। ये भी सेल है, ऐसे ऐसे फ़ोटो है जो हिला के रख देते भाई आपको। ये देखो ये सामने वाले पार्टी का मिलिट्री था, उसको मार दिया, उसकी बॉडी को ले जा रहा था एक हाथ से पकड़ के। तो भाई ये क्या चीज़ है बताए, ये 1969 में यूज़ में की गई थी, 25 फरवरी 1969 की रात एक अमेरिकी सील का समूह है
जो बॉब कैरी के नेतृत्व में एक गांव में पहुंचा, जहां पे बेन वॉट के तीन पोते इस टंकी के नीचे छुपे हुए थे। लेकिन अमरीकी फौजियों ने उनमें से दो को पेट में सूरा घोंप दिया और मार दिया गया, और एक बच गया। तो उसको 40 वर्षों के बाद में इस संग्रहालय में आके रखा गया। और ये देखो, इसका फोटो यहाँ पे है और उनको वहाँ पे दफनाया, शायद उनका ग्रेव यार्ड है। देखो ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये B-52 बॉम्बर का एक टुकड़ा है, जो बमबरसक विमान जब नीचे गिर गया ना, तब ये ला के यहाँ पर रखा गया था। तो उसकी यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, मैं आपको बता रहा हूँ। उसी का ही एक और टुकड़ा है शायद ये वाला, और ये काफ़ी भारी भरकम है। देखो इसके पिछले वाला भाग लग रहा है मुझे। और ये है एक लेजर गाइड बम का टुकड़ा है, जो 5-6 हज़ार मीटर ऊपर से गिरा था, और उसका ये टुकड़ा यहाँ पे ला के रखा गया। ईंधन टैंक है जो किसी विमान का है, जो गिरा दिया गया है। ये और कुछ बम है, देखो उनके टुकड़े यहाँ पे ला के रखे गए हैं। और ये देखो ध्वस्त किए गए मकानों के फ़ोटो है, लेकिन ये सब रियल है। जब कोई अपना दुश्मन बढ़ता है ना, उसके लिए ये थे बॉम्ब थे, लैंड माइन जिसको कहते हैं, ये रखे जाते थे। देखो उसमें बड़ी साइज़ के भी है, अलग अलग प्रकार के टैंक वगैरह उड़ा सकते हैं, और ये छोटे छोटे हैं जो करीबन एक इंसान को तो आराम से उड़ा ही सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर देखो बारूद भरा होता है, वो सब चीज़ें है। कुछ बम जिसके अंदर कीले भरी होती है, देखो ये देखो ये देखो दिख रही ना आपको, इस कीलों के कुछ टुकड़े यहाँ पे भी रखे गए हैं। बटरफ्लाई बॉम्ब है, ये उड़ते हुए बॉम्ब है। ये देखो अलग अलग प्रकार के बॉम्ब हैं जो एयर ड्रॉप किए जाते हैं। ये वाला देखो ऑरेंज बॉम्ब, एंटी पर्सनल फ्रेगमेंट बॉम्ब ब्लास्ट, स्टील प्लेट बॉम्ब, इसके अंदर देखो गोलियाँ भरी रहती है। तो ऐसे ऐसे बॉम्ब यूज़ किए जाते थे पहले के ज़माने में। और ये सब गन है, देखो भाई कार्बाइन राइफल, कैरबिन M1 M2, छोटी छोटी पिस्टल है देखो वहाँ पे। ये शॉर्ट गन जो अमेरिका में अभी भी जो काम में ली जाती है, शॉर्ट गन बहुत काम की चीज़ है, कि नज़दीक से मार करने में बहुत अच्छी है। ये देखो और बहुत सारी मेडसेंस राइफल, UGI राइफल, M79, M16। फिर यहाँ पे देखिए ये बड़ी सी एक और गन है, सब छोटी मोटी राइफल हैं देखो। और ये है ग्रेनेड लॉन्चर गन जिसको कहते हैं, वो वाली है। यहाँ पे देखो काफ़ी दूर तक मार करने वाली राइफलें हैं। ये देखो भाई क्या शानदार, ये देखो 6-बोर गन है जो हेलीकॉप्टर में लगी थी, वो वाली। ये काफ़ी हैवी गन है जो हेलीकॉप्टर के ऊपर जो माउंट की जाती है ना, वो वाली गन है। और ये वाली देखो, ये सब हेलीकॉप्टर में, हवाई जिसमें फाइटर जेट में, ये रॉकेट लॉन्चर है UGBL जिसको बोलते हैं, वो है। ये देखो ये सब चीज़ें हैं जो ये सब एक आदमी हाथ से यूज करता था। और ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो बड़ी बंदूक है, ये वाली ये राइफल्स हैं, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट की जाती थी, या किसी ट्राईपोड के ऊपर माउंट की जाती थी। तो वो सब चीज़ें। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कुछ सेल है, राइफल के सेल है। देखो ये काफ़ी बड़े बड़े सेल हैं, ये बॉम्ब है छोटे छोटे, मोटार सेल जिसको बोलते हैं, जो 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 यहाँ से मार करने पर कोई 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज होती है। और ये है बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ, जो ये पीछे वाले सेल होते हैं भाई, गोली जब छूटती है ना, तो ये आगे वाला भाग ही जाता है ये वाला, बाकी ये सेल होते हैं, इसमें बारूद होता है जिसके पावर से ये गोलियां आगे की तरफ जाती है। और ये हो गया मामला। ये बॉम्ब तो अभी भी नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जब इंडिया पाक के बॉर्डर पर जब छुटमुट घटनाएँ होती है ना, तो ये सेल तो नॉर्मली मतलब फेंके ही जाते हैं आराम से, सेलिंग जिसको कहते हैं वो इससे करते हैं। अब ये है गोलियाँ, ये देखो ये बड़ी बड़ी गोलियाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं। और ये देखो ये ग्रेनेड है, जिनको दूर तक 500 मीटर 1 किलोमीटर तक फायर किया जाता था। तो ऐसे है सब। अब चलते हैं आगे। ये है मास्क, जब
गैस या केमिकल का लोग प्रयोग करते थे लड़ने के लिए, तो ये मास्क और ये चश्मा लगा करके वो अपने आप को बचाते थे। देख लीजिए आप, काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। देखो लग रही ना आपको, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, रॉकेट लॉन्चर जो इसको EGBL कहते हैं, स्मोक ये वाला ना, इससे स्मोक फायर किया जाता है, स्मोक राउंड। और ये है रॉकेट कैरेज, ये है सब हैंड ग्रेनेड और केमिकल ग्रेनेड। और ये सब फोटो में दर्शाया गया है कि देखो किस तरह से लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए, किस तरह से बौने लूले लंगड़े इस तरह से लोग पैदा होने लग गए थे। तो ये हालत हो गई थी लोगों की, युद्ध का नतीजा क्या होता है देख लीजिए भाई साहब। ये बेड क्यों दिखाया है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते थे। देखो हैंडमेड, ये तो अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे दर्शाया गया है। देखो बेड हैंडमेड बाई ली होंग सोन, ली होंग सोन कोई इंसान होगा जिसने ये बनाई। सपोर्ट वियतनाम इन दिस रेसिस्टेंट टू यूज एग्रेशन। 1954 से 1975 यानी कि 20 से 21 साल तक ये युद्ध चला था, उसमें US ने वियतनाम का सपोर्ट किया था, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये था यहाँ का हिसाब किताब जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो भाई इस शानदार म्यूज़ियम का अब टूर ख़त्म हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि युद्ध होने का परिणाम क्या होता है, और युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध होने से कितने लोग प्रभावित होते हैं, और क्या क्या साधन वगैरह यूज़ किया जाता है, कैसे भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी गई। इतिहास के पन्ने आपको वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखो कुछ बॉम्ब जैसे रखे हुए, जैसे कुछ खिलौने रखे हुए, इतने बड़े बड़े बॉम्ब हैं। ये देखो भाई बॉम्ब गिरने से क्या हो सकता है, उसका जो खड्डे हैं ना वो दिखा रहे हैं देखो। और ये बॉम्ब है, और इसके साउंड भी यहाँ पे लगा रखा है। इतने बड़े बड़े बॉम्ब यहाँ पे 5-5 टन के 10-10 टन के बॉम्ब गिराते थे, पागल ही लोग थे लगता है। इस म्यूज़ियम के पास में ये एक जेल का जो सेल होता है ना, जिसमें कैदियों को रखा जाता है, वो वाला है, जो शायद ये पहले जेल एरिया भी हो सकता है मेरे हिसाब से। और यहाँ सामने ऊपर एक टावर बना हुआ है जहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते वो थे। तो इसके अंदर चल के ये भी आपको दिखाते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखो ये दरवाज़ा था, और इसको देखने से तो यही लगता है ये बहुत पुराना था सही में। और ये देखो काफ़ी बड़ा है ये सेल, हाँ ये रियल है सही में, बनावटी नहीं ये रियल है। ये देखो, ये देखो इसके अंदर सेल है, ये देखो इसके अंदर लोगों को रखा जाता था 1843 स्क्वायर मीटर में। 1940 में इसको जो है बिल्ड किया था फ्रांसीसी ने। और यहाँ पे देखो लोग ऐसे खड़े रहते थे। ये सेल का लॉकर है, इससे उठा करके आप सामान वगैरह उनको दे सकते थे, बाहर आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। इसके अंदर CCTV कैमराज लगे हुए हैं, ये देखो ये टाइगर केस है, ये बहुत छोटा सा है, इसके अंदर तो बाहर कुछ दिखता भी नहीं होगा। बंदे को यहाँ पे पैक रख दिया जाता था, ऊपर से क्या दिखता है, ऊपर से सिर्फ वो देख सकता था लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता था। वाह कितना भयंकर होगा भाई, इसको बंद कर दिया जाए तो कि इंसान की क्या दशा होती थी। ऐसे मतलब बहुत सारे थे, ये देखो जी तब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये देखो ऐसे सेल बनाए होते थे, देखो यहाँ से काफ़ी सारे लाइन से होते थे, अलग अलग पूरा हॉल बना होता था, जैसे ये बना है। अब ये एक ही बचा हुआ है, तो इसको ऊपर से लोग देखते थे, कहीं वो बंदा उसके ऊपर हमला ना करे, जैसे नीचे बैठा है बस उसको यहाँ से देख लेते थे, ऐसे ऐसे पूरा लाइन से बने थे। और ये देखो भाई इसके अंदर भी लोगों को रखा जाता था कैदी बना करके, तो आप समझिए कि जेल के हाल कितने बुरे होते थे, कितनी भयानक जेल होती थी, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम चलते इस सेल के अंदर, जो है ना सेल नहीं है भाई, ये जीवन का एंड था। यहाँ पे देखिए ये धारदार हथियार जो आपको दिख रहा है, बंदे को यहाँ पे सुलाया जाता था
और इसके अंदर उसका गर्दन फंसा दिया जाता था और फिर उसको ऊपर से गिराते थे तो उसका सीधा गला काट दिया जाता था। उसका ये साधन था, ये भयानक है, उस गला यहाँ पे गिरता था। तो ये कितना भयंकर है भाई, इस चीज़ को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऐसे ऐसे काम यहाँ लोगों ने किए उसके लिए, पूरा खतरनाक। और इसको शायद कभी यूज भी किया होगा। ये देखो, ये फिर इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। इट वॉज द बोट ऑफ द फ्रेंच वियतनाम वॉर 20th सेंचुरी एंड केप्ट फॉर द बिग जेल इन ले ग्रैंड एंड स्वीट ड्यूरिंग द यू साइड वॉर अगेंस्ट वियतनाम गलेटिन द फ्रेंच डिस्क्राइब वियतनाम द लास्ट मैन वॉज एग्जीक्यूटिव बाई गिलेटिन वॉज इन हांगकॉन्ग। और ये है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वाली सेल भी ठीक है, लेकिन जो गला काटने वाला है वो बहुत भयंकर है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर और इसका टूर ख़त्म होता है अभी हमारा। अब हम चलते हैं इसके अंदर। एक चीज़ नहीं दिख रही, वो थी जेल के कपड़े। और ये है जेल के हथियार। जब देखो यहाँ पे देख लीजिए, ये है हथकड़ी, ये टेलीफोन और ये काम में लिए जाने वाले साधन। और ये है पुलिस के डंडे, ये लाठियाँ हैं जिसको काम में लेते थे और मारने मुड़ने के लिए, ठोकने के लिए। ये रुमाल और ये चीज़ें शायद कैदी होते थे वो बनाते थे, शायद ऐसा हो सकता है। और ये है लेटर जो उन्होंने लिखे होंगे या किसी ने। और इसमें रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ये जेल है और उसके देखो जेल के अंदर लिखे गए कागज या जो भी है, डिप्टी कमिश्नर वगैरह जिसको भी। तो भाई इस शानदार म्यूज़ियम का अब टूर ख़त्म हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि युद्ध होने का परिणाम क्या होता है और युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध होने से कितने लोग प्रभावित होते हैं और क्या क्या साधन वगैरह यूज़ किया जाता है, कैसे भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी गई। इतिहास के पन्ने आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोज़ में वियतनाम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारा है जिस पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, पूरा सवाल पूछिएगा। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है bansibishnoi290। और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो के नीचे थैंक्स बटन का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपने हिसाब से जितना चाहे जो सहयोग कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइन बटन से भी सहयोग कर सकते हैं। लेट्स गो, थैंक यू।